नमस्कार, सवनाई में आपका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं टॉप 5। नगर निकाय चुनाव के पहले चरण में हुए मतदान में राजनीतिक दलों की अपेक्षा के विपरीत कम मतदान हुआ है। जनपद जिला पंचायत में जीते कांग्रेस के नेताओं को बीजेपी दे रही है प्रलोभन, पूर्व पंचायत मंत्री गमरेश्वर पटेल का आरोप। गोरखपुर थाना पुलिस से पिछले दिनों हुए गोरखपुर थाना क्षेत्र में जो लूट की घटनाओं का खुलासा किया। सीप नदी में अचानक पानी बढ़ जाने से ग्राम साला रोड में स्टॉप डैम पर काम कर रहे लगभग 20 मजदूर देर रात फंस गए। अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय के पहले चरण में हुए मतदान में राजनीतिक दलों की अपेक्षा के विपरीत कम मतदान हुआ है और इसी बात ने उनकी धड़कनें बढ़ा दी है। इसके बावजूद दोनों ही दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। बीजेपी के बाद कांग्रेस ने भी कम वोटिंग परसेंटेज को लेकर चिंता जाहिर की है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह का मानना है कि निकाय चुनाव के पहले चरण में कम वोटिंग हुई है। वोटिंग परसेंटेज सब जगह कम नहीं हुई, चिंतित उनको भोपाल से ज्यादा था, यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज कम हुई। और साधारण तौर से नगरीय निकाय चुनाव में वोटिंग ज्यादा होती है, स्वाभाविक इस दफे कम हुई, वो चिंता का विषय है दोनों पार्टियों के लिए। लेकिन इस आखिरी चरण में जो आज हो रहा है उसमें मुझे लगता है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा और अच्छा भी रहेगा। कांग्रेस के लिए कैसे देखते हैं, भाजपा दावा कर रही है कि हमारा एक तरफा और हम 16 निकाय इस बार फिर से जीतने जा रहे हैं, 16 सिंगार करेंगे, क्या कांग्रेस का कैसे? अभी तो 17 और 20 को पता ही चल जाएगा कि 16 श्रृंगार होगा कि 8 श्रृंगार होगा कि 10 श्रृंगार होगा। लेकिन कांग्रेस की स्थिति पहले से बहुत अच्छी है और अच्छी सीटें आएंगी, कल्पना के परे है, भाजपा को कल्पना के परे है जिसने सीटें कांग्रेस को आ जाएंगी। देश के लिए क्या तैयारियां हैं? देखिए, हर चुनाव के बाद फिर दूसरे चुनाव की तैयारी होती है। वैसे 2023 के लिए कांग्रेस शुरू से लगी हुई है, जब से ये कुछ विधायक दूसरी पार्टी में गए, बीजेपी में गए, और हम लोगों का जमीनी स्तर पर तैयारी हो रही है, मंडल और सेक्टर पर, उसी पर जोर देकर चुनाव लड़ा जाएगा। जनपद जिला पंचायत में जीते कांग्रेस के नेताओं को भाजपा दे रही है प्रलोभन, पूर्व पंचायत मंत्री कमलेश्वर पटेल का आरोप। भाजपा के नेता पैसे का थैला लेकर घूम रहे हैं, जनपद जिला में जीते हमारे उम्मीदवार को दिया जा रहा प्रलोभन, बीजेपी कर रही दबाव और खरीद फरोख की राजनीति, हम अपने सभी जीते उम्मीदवारों के साथ सतत संपर्क में हैं। बहुत ही सुनियोजित तरीके से निकाय चुनाव में, जैसे अभी नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम का जो चुनाव पहले संपन्न हुआ और आज जो संपन्न हो रहा है, बहुत सारे मतदाताओं का उनका नाम अलग करके दूसरे वार्डों में, आधे परिवार का एक वार्ड में, आधे परिवार का दूसरे वार्ड में करके कहीं न कहीं मतदान करने से रोकने का प्रयास किया है, और चिन्हित करके जो 100% कांग्रेस पार्टी के मतदाता थे उनके साथ ये किया है, और ये भाजपा के नेताओं के इशारे पे हुआ है। और पूरी तरह से मध्य प्रदेश सरकार में बैठे हुए जो अधिकारी कर्मचारी है चपरासी की तरह काम कर रहे हैं। मेरा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से और सरकार में बैठे हुए नुमाइंदों से ये अपील है कि ये सब बंद करिए, आपके भ्रष्टाचार, आपके कुशासन, बेरोजगारी, महंगाई, सबसे प्रदेश की जनता निजात चाहती है। और इसलिए पंचायत चुनाव में जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव तीनों चरण का जो रुझान आया है उसमें कांग्रेस पार्टी के 70% से ज़्यादा और कहीं कहीं 80% 90% कांग्रेस पार्टी के लोग जीते हैं, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जीते हैं। जबलपुर की गोरखपुर थाना पुलिस ने पिछले दिनों हुए गोरखपुर थाना क्षेत्र में दो लूट की घटनाओं का खुलासा करते हुए एक शातिर बदमाश अदूर्फ अल्तमस और उसके एक साथी असलम को गिरफ्तार किया है। पिछले दिनों एक महिला और एक पुलिस आरक्षक सतीश कौशल के साथ दोनों आरोपियों द्वारा लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। हाथ के गले से चैन छीन ली गई थी और एक जो
सीप नदी में अचानक पानी बढ़ जाने से ग्राम साला रोड में स्टाफ डैम पर काम कर रहे लगभग 20 मजदूर देर रात को फंस गए, जिन्हें रेस्क्यू कर सुरक्षित निकाल लिया गया। मिली जानकारी के मुताबिक तहसील नसरुल्लागंज के पास सेमल पानी गांव में बहने वाली सीप नदी में अचानक पानी बढ़ गया। पानी बढ़ जाने से ग्राम साला रोड में स्टाफ डैम पर काम कर रहे लगभग 20 मजदूर देर रात को फंस गए। कैसे फंस गए थे आप लोग नदी के उस पर? नदी सर यही काम करते थे, तो क्या है कुछ समय आया पानी तो हम लोग देखे जब नदी नीचे था और अचानक जब 5 बज गई तो अचानक पानी बढ़ गई तो वही सब भाग गए। तो पहले क्या आपका जो कैंपिंग वगैरह थी वो नदी में थी या किनारे? ऊपर थे सर, बहुत मान लीजिए करीब करीब 20 फुट से भी ऊपर हो गया। कितने लोग फंसे हुए थे? 20-22 निकाल लिया गया सबको? हाँ सब निकल गए, सारे लोग सुरक्षित हैं। सुरक्षित है सर। हमें सुबह सूचना मिली थी कि रात में भारी बारिश के कारण अचानक से सीप नदी का बहाव बढ़ गया था और सामने सीप अंबर परियोजना के बराज के लिए कॉन्ट्रैक्टर के कुछ मजदूर थे जो वहाँ कैंप करके काम कर रहे थे, वो फंस गए थे। जैसे सूचना मिली SDRF की टीम यहाँ पहुँची। प्लाटून कमांडर पाटीदार जी ने बहुत अच्छी मेहनत की और फिर बोट के माध्यम से सभी 20 फंसे हुए मजदूरों को निकाल लिया जो अलग अलग जगह से थे, इसमें झारखंड के और मध्य प्रदेश के अन्य जिलों के मजदूर थे, सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया है। हाँ, बारिश के कारण उनके सामान वगैरह की कुछ हानि हुई है और उसकी भरपाई हम करा रहे हैं, लेकिन संतोषजनक बात है कि किसी को कोई दिक्कत नहीं आई है, चोट नहीं आई है और सभी के सभी 20 लोग हमने सुरक्षित इस बार निकाल लिए। जिस प्रकार से मजदूर बाहर के बताया जा रहे हैं उनके, तो उनके लिए क्या व्यवस्था की गई? उनके लिए हमारे उनके कॉन्ट्रैक्टर से बात हो गई है, कॉन्ट्रैक्टर ने उनका पूरा जो उनका नुकसान हुआ उसकी भरपाई भी करेंगे, उनके भोजन कपड़े आदि की जो व्यवस्था होगी वो कराएंगे। यदि मजदूर रुक के काम करना चाहेंगे तो रुकेंगे, यदि वो जाना चाहेंगे तो उनको वापस घर भिजवाने की व्यवस्था करेंगे। और बढ़ते हुए बारिश को देखते हुए कुछ दिनों के लिए यहाँ पर काम रोकने के निर्देश दिए हैं, जब बारिश कम होगी उसके बाद ही बचा हुआ काम पूरा करेंगे।